चलिए बता बस्ती पर चलेंगे बिल्कुल चलेंगे बस्ती इतना खा के चुरकीरी जब हरिजन का मार के पछार स्कूल की तस्वीर जब आप देखेंगे ना तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये स्कूल है और वो भी हाई स्कूल है, और हाई स्कूल के प्रांगण में देखिए कि कितने सारे है। बस्ती पर जाके मंत्री के वाटक पूरे एक्शन मूड में नजर आते हैं और बिहार के अनेकों स्कूल में दौरा करते हुए नजर आते हैं। और अभी मैं जिस जगह पे हूँ वो उच्च मध्य विद्यालय रानी पट्टी सिंघिया स्कूल की तस्वीर जब आप देखेंगे ना तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये स्कूल है और वो भी हाई स्कूल है, और हाई स्कूल के प्रांगण में देखिए कि कितने सारे मवेशिया यहाँ पे है। स्थिति इतनी बुरी है, क्या वजह है, ऐसा स्थिति क्यों बना हुआ है, हम स्कूल की ओर आपको लिए चलते हैं और स्कूल में दिखाते हैं कि भाई ये स्कूल तो सिंघियान का है लेकिन स्कूल में अंडा का दुकान लगा हुआ है। स्कूल के स्थिति देखिए कि स्कूल के कमरों में पटुआ डाला हुआ है, पूरी तरह पटुआ ठूसा हुआ, मतलब जिस विद्यालय में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए था वो विद्यालय गोदाम बन चुका है, उस विद्यालय में तबेला बन चुका है। और तबेले की स्थिति जब आप देखेंगे ना तो देख के आश्चर्यचकित करेंगे, क्योंकि एक नहीं दो नहीं पूरे लगभग पूरे कैंपस में गाय और भैंसे ही भरे हुए हैं। पता नहीं इस गांव के बच्चों के भविष्य का क्या होगा, शिक्षा कैसे मिलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और वीडियो सीधे सीधे के पाठक तक जाना चाहिए ताकि स्कूल में रह रहे शिक्षक हो या फिर कोई भी हो, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों है, इस पर संज्ञान लिया जा सके। क्या मामला है भैया, स्कूल की इतनी बड़ी स्थिति, इतनी खराब स्थिति? सर राजनीति के चक्कर में दशा है। क्या राजनीति है स्कूल में? ये वोट का चक्कर में, वोट का चक्कर में स्कूल है, आपके समाज के बच्चे पढ़ते हैं, जिन बच्चों को यहाँ पढ़ना चाहिए फील्ड में उनका कैंपस प्रेयर के लिए खेलने के लिए, उसी कैंपस में इतने सारे गाय भैंस क्यों बांधे हुए हैं? सब हम लोग ग्रामीण कहते हैं लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और यहाँ के शिक्षक क्या करते हैं? शिक्षक आते हैं, शिक्षक भी एक्शन लेता है सर। एक्शन भी लेता है। क्या एक्शन लेता है? जो खाली कीजिए। अच्छा, तो हम सबको है जो कहना है, जो हम सरकार जो हमको पर्चा दिया है अभी अच्छा। तक हमको जमीन नहीं मिला है। जमीन नहीं मिला है? जी सर। जमीन रहने के लिए नहीं है आप लोग? नहीं है। अच्छा, इसलिए आप लोगों ने स्कूल को तबेला बनाया हुआ है? इसीलिए हम सबको नहीं है, रखने के लिए थे यहीं पर रखता हूँ। अच्छा, तो स्कूल में पढ़ाई होती है कि नहीं होती? जी सर, पढ़ाई होता है। बच्चे भेजते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए? गाय माल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जीने के लिए गाय माल चाहिए, लेकिन शिक्षा आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ बनेंगे नहीं। तो आपकी जिंदगी जैसे कट रही वैसे ही आपके बच्चों की कटेगी। आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा का भविष्य भी अंधकार में जाए? नहीं, अंधकार में तो नहीं जाना चाहिए। कैसे होगा? पढ़ाई होगा तब तो अंधकार में नहीं। टीचर्स पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं सर। पढ़ाते हैं तो फिर कैसे स्कूल के घरों में तो देख रहे हैं कि पटुआ घास वगैरह रखा हुआ है। चाची ऐसे क्या है आप लोगों का? लेकिन जमीन किया ना दलक जमीन देगा आप लोगों को? किया दलक बस्ती पर जाके जाकर। चलिए बता बस्ती पर चलेंगे बिल्कुल चलेंगे बस्ती। इतना खा के चुरकीरी जब हरिजन का मार के पछार मैं से मार भगा ओए मैं घर गुजरता है मैं देखो की कर रहा है सामने जाने। हां देखिए रोड काट में गंदा नाली जब बना हुआ पानी के लिए नदी में जा रहा है। अच्छा। उसको भी तोड़ करके रखा हुआ है। वो भी नहीं बना रहा। वो भी नहीं जा रहा उधर, पानी नहीं जाने देता। कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। क्या कर पाएंगे उसको, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाइएगा। नहीं, जो नेता है उसको वोट देते हैं? नेता जो नेता तो साला पर्चा दिया वो साला बकवास है। पर्चा कौन दिया आप लोगों को? आप देखिए ना कौन दिया है। अच्छा बिल्कुल देखेंगे। तो भाई ये गांव वालों की तो बदहाली है ही, लेकिन स्कूल का बदहाली को देखेंगे ये और भी खराब है, क्योंकि जो स्कूल का कंडीशन है आप देख सकते हैं। पता नहीं लोग कहते हैं कि शिक्षक आते हैं लेकिन शिक्षक आते हैं कि नहीं, इस बारे में भी ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कैंपस को देख सकते हैं पूरा कीचड़ से लथपथ है, और पूरे स्कूल में जो है ना पटुआ घास भैंस मतलब तबेला ही बना दिया गया। जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ना चाहिए वो स्कूल आज तबेला बन चुका है। और स्कूल के नए नए भवनों को देखिए, भवनों की स्थिति को देखिए जरा आप कि क्या कंडीशन है। ये उच्च विद्यालय की स्थिति है और आप देख सकते हैं कि गाय भैंस बकरियां जो भी चीज है ना सब चीज को यहीं पे रखा जाता है मतलब। और ये जो कंडीशन है ना, और बगल में देखिए गोवा को रखा गया। और कुछ पर्चियां देने की बात कर रहे हैं, क्या पर्चियां मिली है? पर्चियां मिला इसका दिया है, लेकिन जिसको एक जांच किया जाए। अच्छा। जिसको जमीन है
उसका आप प्लॉट चेक कर सकते हो, भी जिसका जमीन है वो भी नहीं घर बनाता है जमीन पे, वो भी नहीं बनाता है, लेकिन सब स्कूल का कब्जा करके ये सब टाइम पास कर रहा है, मतलब कुछ भी नहीं हो, ग्रामीण ध्यान नहीं देता। अच्छा, 10 साल से ऐसी कंडीशन हो रही है लेकिन कोई ग्रामीण ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग यहाँ के जो हम लोग के ऊपर से कोशिश करता है दबाने के लिए, राजनीतिक करता है, सब हम राजनीतिक का शिकार हो जा रहा है, जिसकी वजह से ना तो बच्चे पढ़ पा रहे हैं और ना ही लोगों का जनजीवन सही से चल रहा है। ये बात तो नहीं सोच रहा है सब, ग्रामीण का ही बाल बच्चा यहाँ पढ़ लिख रहा है। अच्छा, सबका विकास होगा, खेल सोच रहे हैं कि परिस्थितियाँ जो भी हो, घर के लिए जमीन नहीं लेकिन अपने बच्चों के विकास के लिए स्कूल को तो सही रहने देना चाहिए था। जी जी हाँ, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता, गाँव का बच्चा जाता है, देख आप तो नजरे में देख सकते हैं कितना कीचड़, इसमें कैसे खेले कूदेगा बच्चा सब। वो पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हैं। बउवा पढ़ती हो? पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती हो? बोलो बोलो बोलो, कुछ नहीं बोलो ना, पढ़ती हो कि नहीं? पढ़ती हो? कौन क्लास में? इसी स्कूल में पढ़ती हो? आंगनबाड़ी जाता है? आंगनबाड़ी जाता है। पढ़ता है बुआ यहाँ पे? नहीं पढ़ता है। आप पढ़ते हैं? देखिए बहुत सारे सैकड़ों बच्चे हैं, लेकिन सैकड़ों बच्चों में जितने बच्चों से पूछ रहा हूँ शायद कोई भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे, शायद एकाद दो बच्चे ही हैं जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जबकि गांव के बीचों बीच स्कूल बना हुआ है, लेकिन शिक्षा का इतना बुरा हाल है। रहे के जरूरी कोई जरूरी नहीं छे, हमारा मिल जाते बाल बच्चा, सबके पढ़ाबू के होते ना, शिक्षा जरूरी छे ना, सबके छे काम।